कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में केंद्रीय आलाकमान के साथ मंत्री पद को लेकर अब तक कोई चर्चा नहीं हो पाई है। बुधवार तक मंत्रियों के नाम पर कांग्रेस आलाकमान अपनी मोहर लगाएगा। झारखंड में हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल नहीं हो पा रहा है। कारण साफ है कि कांग्रेस के अंदर की कीच-कीच अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के अंदर मंत्रियों के नामों का चयन नहीं हो पा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली केंद्रीय आलाकमान के साथ बैठक कर नामों को तय करने के लिए गए हैं, लेकिन अब तक कोई बैठक नहीं हो पाई है और ऐसी स्थिति में लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से जल्द ही कोई समाधान और नामों पर फैसला होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सोमवार तक आज कोई बैठक नहीं हो पाई है और इस बैठक को लेकर लगातार जो आशाएं जताई जा रही थी, ऐसी स्थिति में अब तक बैठक न होना निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक भी है। ऐसे में लोकसभा के सत्र और अन्य कार्यों का दावेदारी की जा रही है, तो वहीं प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर जल्द ही नामों पर अंतिम मुहर लगाने की बात कर रहे हैं। बैठक उस परिवेश में नहीं हो रही थी, सब लोग आए हैं तो आपस में एक्सचेंज ऑफ व्यूज था, वो कर रहे थे। मंत्रिमंडल के बारे में जो हाईकमांड से प्रभारी जी की अभी बातचीत नहीं हो पाई, उसका कारण था सैटरडे संडे हो गया, आज के दिन पार्लियामेंट और जो लो हैं, तो आज कल में इनकी बात हो जाएगी और ये 9 तारीख के पहले होना है, 9 के पहले होना है। मुझे नहीं लगता है कि 9 तक भी समय लगेगा, उसके पहले हो जाएगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी क्या मांग कर रही है, क्या मंत्री? कोई मांग नहीं है, जो 4-1 जो है जेएमएम जो है वो 6, तो इसमें कोई बहुत मांग की बात नहीं है, जो है क्लियर। हिम्मत पूरी तरीके से आया जेएमएम के साथ सरकार, लेकिन मिनिस्ट्री पोस्ट पर आप लोगों की क्या बात बन पाई है, कब तक? आपको अभी तक जब आपने सवाल उठाया, पहले टिकट देने पर क्या होगा, कोई सवाल आया आपके पास? फिर सीटों को लेकर अलग अलग फिगर्स आई, तो हम पहले से कहते रहे कि पहले से बेहतर मैंडेट लेकर आएगी गठबंधन और कांग्रेस सामने है। फिर ओथ कब होगा वो भी हो गया। अब मंत्रालयों की बात आप उठा रहे हैं, आप देखेंगे 2-3 दिन में वो भी खूबसूरती के साथ में आप देखेंगे वो भी पूरा अंजाम आ जाएगा। कोई एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा की क्या बात है, तो हम आपस में बैठेंगे, जो बेहतर रहेगा वो करेंगे। इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने नाम लगभग तय कर लिए हैं, पर कांग्रेस में अभी भी नामों को लेकर उठापटक चल रहा है। कांग्रेस में अभी तक मंत्रियों के नामों को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। पार्टी प्रमंडल और जातीय समीकरण को लेकर विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे का मकसद यह है कि मंत्रिमंडल से पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व हो सकेगा और पार्टी और विधायकों में नाराजगी कम हो सकेगी। कांग्रेस को पिछली गठबंधन सरकार के तर्ज पर अपनी पार्टी के कोटे से 4 मंत्री पद मिलेंगे। पिछली बार तो पार्टी विधायक दल का नेता भी मंत्री के रूप में दिखाई दे रहा था। ऐसे में हो सकता है कि पार्टी कोई बड़ा परिवर्तन करे। हालांकि प्रदेश कांग्रेस की ओर से केंद्रीय आलाकमान को इसकी जानकारी पहले भी दी जा चुकी है, लेकिन अब खुद केशव महतो कमलेश दिल्ली जाकर ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि जल्द ही कांग्रेस के नेतृत्व से बैठक होगी और बैठक के बाद जल्द ही कोई समाधान निकल आएगा। सब हो जाएगा, आप देखेंगे बहुत जल्दी आप लोगों को सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। कौन-कौन नेता अभी कोई उस पर अभी कोई चर्चा नहीं है, सब आला कमान के संज्ञान में है, सब कुछ सही समय पर आप लोगों को सही जानकारी मिल जाएगी। क्या बड़े नेता नाराज हैं? कोई नाराज नहीं है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है।
झारखंड में विधानसभा का सत्र 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आहूत किया गया है। इस सत्र में विधायकों का शपथ ग्रहण, स्पीकर का चुनाव, राज्यपाल का अभिभाषण और नई सरकार की ओर से विश्वास मत भी हासिल किया जाना है। इसके पहले इंडिया गठबंधन यह मान के चल रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही वो विधानसभा में पूरे फ्लोर पर अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ हेमंत सोरेन को लेकर जाएंगे। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से कांग्रेस अपने कोटे के मंत्रियों के नाम को तय करती है, या कांग्रेस का बवंडर फिलहाल थमने का नाम नहीं लेता है। मुखर संवाद के लिए नई दिल्ली और रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।